हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बस इस टाइम इवनिंग का समय है और मेरा पार्सल आ गया था। मैंने मंगाया है अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, जी हाँ, बॉटल जो कि जीरो साइज़ वाला फ्लिप इवेंट का मंगाया है मैंने। काफ़ी अच्छा है, रिव्यू भी अच्छा था, तो बच्चे को ऊपर का दूध भी बुलाया है पिलाने के लिए, क्योंकि मेरा दूध ही केवल नहीं हो पा रहा था इस वजह से, और टू बेबीज़ हैं तो मैंने सोचा कि बॉटल भी ले लिया जाए बच्चे के लिए, काफ़ी सही रहता है ना। तो मैं अपना दूध भी स्टोर करके बेबी को बॉटल के द्वारा फिट दे दूंगी, और अदरवाइज फार्मूला दूध भी डॉक्टर ने लिखा है वही वाला देना है बच्चे को। तो मैंने एक तो बॉटल क्लेंजर मैंने मंगाया हुआ है जो कि मिमी ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे उसका रिव्यू। अदरवाइज मैंने इससे पहले जो यूज़ किया हुआ था बेबी हग का, मैंने पिजन का शायद क्लेंजर मैंने यूज़ किया था, और मीमी का भी काफ़ी अच्छा रिव्यू भी था और काफ़ी अच्छा था। तो मैंने कहा मीमी का मैंने शैम्पू अपनी छोटी वाली बिटिया पे यूज़ किया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा है। मीमी का मुझे लोशन भी अच्छा लगता है, और ये जो क्लेंजर है वो भी ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ फ्लिप्स इवेंट का मैं बॉटल यूज़ कर रही हूँ 1 मंथ बेबीज़ के लिए। तो फ्लिप्स इवेंट के 3 बॉटल हो गए हैं, 3 मैंने मंगाए हुए थे। एक तो 260 ml वाला बॉटल मंगाया था, और ये 125 ml वाला शायद बॉटल है, तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जाना माना ब्रांड भी है। और इसके अलावा मैंने अपनी छोटी बिटिया भी पिजन का बॉटल यूज़ किया था। तो यहाँ पे टुक टुक इवनिंग का समय है और रिद्धि हैं दोनों का अपना, और टुक टुक का शूज़ लेकर के यहाँ पे पॉलिश कर रही है, और कुछ काम हैं जो रिद्धि खुद से मैं करने के लिए कहती हूँ, जैसे ड्रेस खुद से पहनना, जब कुछ गलत लगता है तो मैं सही कर देती हूँ। यहाँ टुक टुक नमकीन खा रही हैं, और जैसे हो गया जूते वगैरह पॉलिश करना, तो अपने तो पॉलिश किए, फिर कही कि नहीं मुझे पापा के भी पॉलिश करने हैं, तो ये हुआ कि ठीक है लो करके देख लो। तो बस सिखा रहे थे, अभी कुछ चीज़ें हैं जो रिद्धि को सिखाना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना भी चाहिए कि अपने काम स्वयं करने चाहिए। तो इनके पापा भी थे, वो भी बोल रहे थे कि हाँ सिखाना चाहिए, तो बस रिद्धि को तरीका बता रहे थे कैसे लगाना है और फिर कैसे ब्रश को रगड़ना है सूज पे। तो जब से 2 बच्चे मेरी लाइफ में आ गए हैं ना, तो ये दो बेटियां जो हमारी हैं वो अपने काम कई ज़्यादा अपने काम खुद से ही करती हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चे अपने आप से कुछ चीज़ें करने लगते हैं और अच्छे से करते हैं और सीख लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और वैसे भी मेरी बड़ी बेटी छोटी बेटी दोनों बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ों में मेरी हेल्प भी करती हैं, जैसे बाबू को गोदी वगैरह में लेना, बच्चे रो रहे हैं तो अपने जूते पॉलिश कर लेना, अपनी ड्रेस वगैरह पहन लेना, अपनी बुक्स लगा लेना, तो ये सब चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे भी रिद्धि 9 ईयर में आ गई हैं, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो बस रिद्धि को देखती तो टुकटुक भी करने लगती है, तो बच्चों की शाम की मालिश होगी और बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं। तो इस तरीके से मच्छरदानी मार्केट में मिलता है, ये केवल 150 रुपये की मच्छरदानी है, ये लोकल मार्केट से लाए थे इनके पापा, तो वही मैंने लगा दिया है और बच्चे सो रहे हैं। तो बस इस तरीके से चल रहा है। तो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ करेले का मरगल, जब कि कलौजी कह सकते हैं। तो उसके लिए क्या मसाले चाहिए, यहाँ अजवाइन चाहिए 2 बड़े चम्मच मीडियम साइज़ वाले, और सौंफ चाहिए, और मंगरेल चाहिए काली वाली जो होती है वो बराबर बराबर मात्रा में लेना है, और जो खड़ी धनिया होती है उसको भून करके कूट लिए हैं, तो इसमें खड़ी धनिया भी बराबर मात्रा में लिए हैं। तो चारों मसाले आपको बराबर मात्रा में लेना है, और इधर दूसरे साइड देखिए करेला धुल करके सुखा के इस तरीके से बीच से हम लोग नाइफ़ की सहायता से इसको फाड़ लेंगे। आप बिये के साथ भी बना सकते हैं मरगल, या तो आप बिया निकालना चाहते हैं तो उसको भी निकाल के बना सकते हैं, कई लोग उबाल के भी बनाते हैं, मैंने उबालने वाला रेसिपी शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें मैंने स्वादानुसार नमक मिलाया है, मसाले पीस के सारे एक साथ यहाँ रख लिए हैं, भुनने के बाद पीसना है सारे मसालों को, और प्याज एक उसमें महीन महीन काट लेंगे। उसके बाद इसमें हमें सरसों का तेल थोड़ा सा ऐड करके सानना है, और सिंपल तरीके से यहाँ पे तो अच्छे से हमें मिला लेना है, सरसों का तेल ज़्यादा नहीं डालना, लगभग 3 चम्मच के बराबर डालिए, वो अच्छे से सन जाता है। और इस तरीके से हमें करेले के बीचों बीच में जो हमने फांकी काटी हुई थी उसमें इस तरीके से भर लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। आप करेले को बॉयल करके भी बना सकते हैं, उस तरह भी अच्छा लगता है, इस तरीके से भी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बन रहा है आज रात का डिनर, और इस टाइम ये जो भरने का काम है वो मेरी ननंद खुशबू कर रही है, और खुशबू कल और श्रद्धा कल नहीं तो परसों ये लोग चले जाएँगे। तो बस फटाफट से ये तैयार हो गया है,
इसके बाद हमें इसको छौंकना है। तो ये वाला जो मरगल की रेसिपी है ना, ये गांव की देसी रेसिपी है। इस तरीके से गांव वगैरह में बनाया जाता है और ये मेरी सास की स्पेशल रेसिपी है। तो बस सारे मरगल यहाँ पे रेडी हो गए हैं, इनको बस कढ़ाई चढ़ानी है और छौंका लगा देना है गरम गरम तेल में। लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे ना तो इसका स्वाद दो गुना बढ़ जाता है और आयरन की मात्रा भी मिल जाती है अच्छी खासी। तो कढ़ाई यहाँ गर्म हो गई, लगभग 2 कैचुल के बराबर तेल डालना है। तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालना है, इसमें थोड़ा सा पापड़ और चिप्स हम लोग डालते हैं ना जब तेल ज़्यादा, तो 2-3 ठो तल लेते हैं, तो वही इसमें डला हुआ है पापड़ के टुकड़े, तो उसको माइंड मत करेगा। बस हमारा ऑयल जो सरसों का तेल है उसी में ही छौंका लगाना है, गर्म हो गया है तो एक एक करके सारे इसमें करेले हम लोग लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के पकने देंगे और बीच बीच में इसको हमको चलाते रहना है, इस तरीके से पलटते रहना है बीच बीच में आपको 3 से 4 बार, और बस 15 से 20 मिनट में ये मरगल बनके हो जाता है रेडी। चावल है यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे फ्राई हो रही है दाल, और दूसरी तरफ यहाँ पे फ्राई होने के लिए दाल, यहाँ पे टमाटर प्याज सब काटे हैं और वहाँ पे दाल चढ़ा हुआ है। बस आटा लग करके हो गया है यहाँ पे रेडी और दूसरी तरफ करेला भी बनके हो गया है रेडी। तो हो गई है रात और यहाँ पर मैं दिखा रही थी दोनों बच्चे सो गए हैं, बट थोड़ा बहुत हिल रहे हैं लाइट में, एक जला रहने देती हूँ इस तरीके से हल्की लाइट, बाकी जो दो लाइट्स हैं वो मैं बंद कर देती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं मॉर्निंग टाइम में, ब्लॉग नहीं ख़त्म कर रही हूँ, मॉर्निंग मिलते हैं। तो बस हो गई है सुबह, बच्चे हो रहे फटाफट से रेडी, सब लोग सो के उठ गए हैं और बच्चों को 7:15, 7:30 तक इनकी बस आ जाती है। तो रिद्धि अपने आप रेडी हो जाती है, बट टुकटुक को रेडी करना पड़ता है, तो हस्बैंड करते हैं रेडी। बस हाथ का ये जो बटन है ना वो रिद्धि नहीं बांध पाती है, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, बट कई काम तो खुद से कर लेती है, सपोर्ट मिल जाता है। और मैं पेट पे ही बैठी हुई हूँ, बच्चे को फिटिंग करा रही हूँ इधर साइड, और ली हुई थी एक को फिटिंग करा के लेटा दिया था, एक को मैंने गोदी में लिया हुआ था, रो रहा था वो, तो इस वजह से हस्बैंड जी बच्चों को रेडी करते, अधिकतर मॉर्निंग टाइम में हस्बैंड जी बच्चों को रेडी करते, बस बाल वगैरह बनाना वो सब मैं कर देती हूँ। एक दिक्कत है, सुबह में बच्चे भी मेरे साथ ही में उड़ जाते हैं, तो इस वजह से बच्चे को देखना पड़ता है, तो बच्चों को रेडी हस्बैंड जी कर देते हैं। हस्बैंड जी का भी बहुत सपोर्ट है, बच्चों को रेडी करना, बस तक ले जाना, ये हस्बैंड जी ही करते हैं। और श्रद्धा है दीदी की लड़की, वो शूज़ पहना रही थी टुक टुक को, बट वो अपने पापा से ही ड्रेस भी और शूज़ भी वो अपने पापा से ही पहनती है। उसके बाद मैं क्रीम पाउडर और कंघा वगैरह मैं कर देती हूँ, तो श्रद्धा ने मैंने टुक टुक को समझाया कि टुक टुक श्रद्धा दीदी से पहन लो, वही श्रद्धा से पहन नहीं रही थी, गुस्सा रही थी, तो वही मुझसे बोल रही थी, तो मैंने कहा पापा नहीं पहना पाएंगे, बेटा आप श्रद्धा दीदी से पहन लीजिए, लेकिन नहीं मानी टुक टुक, बहुत ज़िद्दी है, तो वही श्रद्धा हंसने लगी, कही कि मामा से ही पहनेगी, तो मैंने कहा रहन दो श्रद्धा मत पहनाओ। तो इस समय सुबह टाइम में मैं खाली एक गर्म पानी के साथ थायराइड की गोली ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं मसाले जो बादाम मेवे के मसाले होते हैं वो लेती हूँ। तो बस जो डेली रूटीन होता है वो सब वर्क करने के बाद बच्चों के जूठे बॉटल वगैरह थे वो सब मैं धुल रही थी यहाँ पे, और घर के जो बॉटल्स वगैरह थे उनको भी मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी। तो एडिटिंग कर रही हूँ मैं इस टाइम पे, और पीछे से थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, तो वो रिद्धि के सर पढ़ा रहे हैं, जब वो ट्यूशन पढ़ाते हैं 1.5 घंटा पढ़ाते हैं रिद्धि टुक टुक को, तभी मैं एडिटिंग का वर्क कर पाती हूँ, और बच्चे भी इस टाइम पर सो रहे हैं तभी हो पाता है, अदरवाइज़ पूरा दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसी टाइम पर मैं कर पाती हूँ। कभी कभी मौका मिलता है तो कर लेते एडिटिंग, नहीं तो नहीं मौका मिलता है तो नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा लेट में वीडियो जा रहा है। आगे आने वाले समय में जल्दी जल्दी वीडियो जाएगा जब सही से सब मैनेज हो जाएगा। तो कुछ काम मैं खुद से कर लेती हूँ, जैसे घर के बॉटल वगैरह हो गए, कुछ बर्तन हो गए छोटे मोटे वो धुल लेती हूँ, जब मैं बच्चे का बॉटल या घर के बॉटल धुलती हूँ, ये थर्मल वाला बॉटल है, थर्मल वाला जिसमें मैं बच्चे के लिए फार्मूला दूध बनाने के लिए वाटर स्टोर करके रखती हूँ, और ये कैटल है जिसमें मैं पानी को बॉयल करती हूँ, इसको डेली मैं धुलती हूँ और अपने लिए भी पीने के लिए, तो मैं गुनगुना पानी पी रही हूँ इस टाइम पर, गर्म भी नहीं ज़्यादा ना ज़्यादा ठंडा, तो बस गुनगुना टाइप का पानी पी रही हूँ। तो काफ़ी काम मैं करती हूँ, काफ़ी काम दीदी और खुशबू वगैरह कर देते हैं, तो यही डर लगता है जब वो लोग चले जाएंगे तो दूर जुड़वा बच्चों को संभालना के लिए कितना दिक्कत होगा, किसी न किसी का होना ज़रूरी है इस टाइम पे। वैसे भी अभी अकेले नहीं रहूँगी, कभी दीदी कभी अम्मा कोई ना कोई घर से आकर के साथ में रहेगा जब तक बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते हैं।
बच्चे की थोड़े बहुत काम, घर के छोटे मोटे काम मैं कर देती हूँ, बाकी खाना बनाना और बच्चों का संभालने में घर वालों का भी मतलब काफ़ी सहयोग रहता है, नंदों का जो ननंद वगैरह रह रही हैं। तो बस खुशबू और दीदी की लड़की जाने वाली है, 2-3 दिन में सासू माँ भी आ जाएंगी, तो बस इस तरीके से आना जाना लगा हुआ है। तो टुक टुक स्कूल से आगे भी इनकी दीदी नहीं आई है और ये बच्चे के साथ यहाँ पे टाइम एक्सपेंस कर रही हैं, इस तरीके से खिला रही है अपने छोटे से भाई को। Thank you.